अगर जो जल चढ़ाओगे तो यम की यातना आप लोगों को भुगतना नहीं पड़ेगी। इसी कारण ध्यान रखना, रोजाना भोलेनाथ भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सुनना, जल को चढ़ाए जम लोग तार देते हैं, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चंदन अगर भगवान को लगाओ ना तो भोलेनाथ भगवान आपको चक्रवर्तीवान बनाने में देर नहीं करता। पर चंदन ये नहीं, आजकल लोग वहां उज्जैन में जाते हो, लोग बोले चंदन का डब्बा दे दो 40 रुपए का, कुछ नहीं करना, जल मिलाया लगा दिया। नहीं नहीं, ये चंदन वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो घिसने वाला। पहले बेचारे गुरु जी करते थे ना चंदन का मुठिया, और उसके बाद में चंदन निकालना और चंदन लगाकर भोलेनाथ को लगाना और भोलेनाथ को लगा करके अपने को लगाना, तो हमेशा शीतलता रहती थी। अब आज के जमाने में आधे के माथे ही गर्म रह रहे, क्योंकि चंदन तो नहीं लगाए, चंदन की दूर की बात रही कंकू की टिक्की भी। बताओ माथा ठंडा रहेगा कि उन्ना रहेगा, अंदाजा लगाओ। शंकर भगवान कह रहे हैं कि जो चंदन लगा लेता है तो मैं भी शीतल हो जाता हूं और सामने वाला कितना भी गर्म हो, कितना भी उग्र हो, अगर चंदन लगा ले तो भगवान कहते मैं उसे शीतलता प्रदान करने में देर नहीं करता हूं। बोलो हर हर। तो सुनो, कहा जल को चढ़ाए जम लोग तार देते हैं, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, और चावल चढ़ाए तीन लोग यह देते हैं। भोलेनाथ भगवान को ध्यान रखना, कभी भी अपन कहने कि भगवान हमारे घर पे लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो भोलेनाथ भगवान के यहां पर जाना, चावल चढ़ाना। वो कंट्रोल वाला चावल नहीं, बीपीएल के कूपन वाला है, वो नहीं, जो अपन खाते ना बासमती चावल इतना बड़ा। शंकर भगवान के पास में जाओ, भोलेनाथ भगवान के पास में जाओ, देवादिदेव महादेव के पास में जाओ, चावल ले लो और मेरे महादेव के यहाँ पर चावल चढ़ा देना, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी, मेरे भोलेनाथ भगवान का वरदान होगा। और आगे मेरे भगवान कह रहे हैं, चावल चढ़ाए तीन लोग यहाँ देते हैं, और पुष्प को चढ़ाए सब क्लेश हर लेते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, सासू की नहीं बने, बहू की नहीं बने, पिता की नहीं बने, पुत्र की नहीं बने, देवर की नहीं बने, भाभी की नहीं बने, तो ऐसे लोग किनका पूजन करना चाहिए? भोलेनाथ भगवान का। और देखो भोलेनाथ भगवान की पूजन में कितना बड़ा अलग ढंग है, थोड़ा अंदाजा लगा। भोलेनाथ के परिवार को याद कर लो, देखो माता जी बैठती है शेर पे, काई पे बैठती है, और शंकर भगवान काई पे बैठते हैं? नंदी पे। बल्कि शेर और नंदी की नहीं बने, वहां बन रही है। और अंदाजा लगाओ गणपति भगवान किस पे बैठ रहे? चूहे पे। और भगवान शंकर के गले में क्या है? एक दूसरे को छोड़े क्या? नहीं। और भी अंदाजा लगाओ कि कार्तिक भगवान किसके ऊपर बैठ रहे हैं? मोर के ऊपर। तो मोर तो नाग को नहीं छोड़े और नाग चूहे को नहीं छोड़े, और इधर माता जी का शेर नंदी को नहीं छोड़े, और मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा कि जो मेरे से प्रेम करेगा, अगर जो मेरे मन में अनुराग करेगा, जो मेरी भक्ति करेगा, तो मेरा परिवार जैसा है उसका परिवार ऐसा होने में देर नहीं करेगा। तो भगवान को पुष्प चढ़ा, जल को चढ़ाए जम लोग तार देते हैं, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, चावल चढ़ाए तीन लोग यहाँ देते हैं, और पुष्प को चढ़ाए सब क्लेश हर लेते हैं। और भी बचा है। और ध्यान रखना एक बात और शिव पुराण में आई है कि भगवान भोलेनाथ भगवान को केवड़े का फूल कभी भी मत चढ़ाना, गुलाब का पुष्प चढ़ाओ। भगवान भोलेनाथ भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कमल, शंकर भगवान को अगर कमल चढ़ाओगे ना तो मेरा भोलेनाथ भगवान आपको भी कमल के समान बनाने में देर नहीं करेगा, ये शंकर भगवान। और आगे कहते हैं, बेल पत्र को चढ़ाए जो, शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी चीज है? बिल्व पत्र। पर बिल्व पत्र चढ़ाने का भी तरीका है, ध्यान से सुन लेना। मैं कभी कभी जाता हूँ, बोल देता हूँ बिल्व पत्र तोड़ के लाओ, बोले गुरुजी कितने लाना है? मैंने कि 21 लाना, तो एक पत्ता ये तोड़ दिया, एक पत्ता ये तोड़ दिया, और एक पत्ता ये तोड़ दिया, गुरुजी 3 पत्ते हो गए। नहीं, ये कोई तरीका सही थोड़ी है। बिल्व पत्र का अर्थ होता है 3 पत्ते का 1 पत्ता।
और सुनो, जब भोलेनाथ भगवान के अमर चढ़ाओ नहीं तो इसका ध्यान रखना, ये जो पीछे वाली गठान है ना, इसको भी तोड़ना चाहिए, इसको अलग करो। और इसके बाद में शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर इस बिल्व पत्र को सीधा नहीं चढ़ाना है, इस बिल्व पत्र को उल्टा चढ़ाना है। शंकर भगवान कह रहे कि अगर एक बिल्व पत्र चढ़ा दे, शंकर भगवान का एक वचन है, ये मेरा वचन नहीं, कहा त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम। त्रिदलम, पत्ते कितने हो गए? तीन। गुण कितने? रज सत तम। और भगवान की आंख कितनी? तीन। शंकर भगवान की कितनी आंखें? और बिल्व पत्र में पत्ते कितने? तो देखो, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम और त्रिजन्म पाप संहारम। एक बिल्व पत्र चढ़ाओगे तो मेरे भोलेनाथ भगवान आपके तीन जन्म के पाप को नष्ट करने में देर नहीं करेगा। ऐसे देवाधिदेव महादेव कहा। बेल पत्र को चढ़ाए जो अपनों वो करी लेते। बिल पत्र को अगर चढ़ाओगे ना तो भोलेनाथ आपको गणपति के समान मानने लग जाएगा। और आगे सुनना, और गाल को बजाए तो निहाल कर देते हैं। कभी कभी लोग करते ना ऐसे करके होठ बजाते हैं, शंकर भगवान के सामने होठ बजाते हो, शंकर भगवान प्रसन्न होता है, पर माता पार्वती